बिग बॉस ओटीटी 2 के कंटेस्टेंट एल्विश यादव को फिलहाल शो में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एल्विश के साथ उनकी दोस्त मनीषा रानी काफी बार फ्लर्ट करते हुए नजर आती हैं, लेकिन एल्विश कभी उन्हें भाव नहीं देते। इतना ही नहीं, वो बाकी फीमेल कंटेस्टेंट के साथ भी क्लोज नहीं आते हैं। वो यह भी कह चुके हैं कि वह सिर्फ उसी के क्लोज जाएंगे जिससे वह शादी करेंगे। एल्विश एक वक्त पर कीर्ति मेहरा को डेट कर चुके हैं। वह और कीर्ति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब एल्विश यूट्यूब पर अपनी धाक जमा रहे थे, उस वक्त कीर्ति को उनकी लाइफ में एंट्री हुई। दोनों साथ में खूब वीडियोस बनाते थे। दोनों की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते थे। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि कीर्ति को भी अपना यूट्यूब चैनल बनाने का सजेशन एल्विश ने ही दिया था, और उन्होंने ही कीर्ति को व्लॉग करना सिखाया और उसे एडिट करना भी उन्होंने सिखाया। सब कुछ सही जा रहा था। दोनों एक दूसरे के परिवार के क्लोज भी थे। फैंस भी अब दोनों की शादी की राह देख रहे थे कि अचानक दोनों ने अपने ब्रेकअप की अनाउंसमेंट कर दिया। इस अनाउंसमेंट से कई फैंस का दिल टूटा, क्योंकि उन्हें दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती थी। जब दोनों का ब्रेकअप हो गया, तब ऐसा कहा जा रहा था कि एल्विश कीर्ति को चीट कर रहे थे और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ। हालांकि बाद में कीर्ति ने खुद क्लियर किया कि एल्विश ने उन्हें धोखा नहीं दिया, दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए हैं। कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एल्विश को सपोर्ट किया। उन्होंने अपने फैंस से भी एल्विश के लिए वोट करने की अपील की थी। हालांकि एल्विश ने क्लियर कर दिया है घर में कि कीर्ति उनका पास्ट थी और फिलहाल उनकी लाइफ में कोई और है। कीर्ति ने अपना नया ब्लॉग शेयर किया, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जाता है कि क्या आप एल्विश को सपोर्ट कर रही हैं? तो वह कहती हैं कि देखिए, मैं तो पहले से सपोर्ट करती हूं, लेकिन सामने वाला तो बिल्कुल साफ मना कर रहा है कि कुछ नहीं था, तो क्या करें। एल्विश ने कई बार घर में कहा है कि उनकी लाइफ में कोई है, तो अगर कीर्ति से ब्रेकअप हो गया है तो इसका मतलब कि कीर्ति के बाद अब कोई और उनकी लाइफ में एंट्री ले चुकी है। हालांकि क्या सच में एल्विश की लाइफ में कोई और है या नहीं, ये तो बस एल्विश ही बता सकते हैं। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।